बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशपाश होंगे। तो आज के ब्लॉग करते हैं शुरू। आज हम आए हैं इधर नारोवाल के करीब, एक दरबार है पीर सैयद जमात अली शाह साहब का, अलीपुर सईदा। तो इधर हम हाजिरी देने आए थे और हमने इधर चादर भी चढ़ाई है। और ये दरबार का व्यू है, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत इन्होंने दरबार बनाया हुआ है। और अभी कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है इधर। इधर देखें ना, ये इन्होंने अभी ये नया बनाया है और इधर इसकी कंस्ट्रक्शन अभी चल रही है। और बाकी सामने ये बाहर खेत हैं, ओपन है। ये बाहर सिटी से काफ़ी दूर है। तो जितने भी अल्लाह वाले बुजुर्ग हैं, इन्होंने ना ये जहाँ अपनी रहायश इख्तियार की, वो किसी ने दरिया किनारे इख्तियार की, किसी ने कहीं रिमोट एरिया में, किसी ने किधर, किसी ने किधर। तो ये सारे बड़ी दूर दूर जो अल्लाह के बुजुर्ग हैं, इन्होंने अपनी रहायशगाह बनाई और वहीं वहीं बस कर वहीं की होकर रह गए। तो ये भी दरबार शहर से काफ़ी दूर है नरवाल से, और तकरीबन 15-20 किलोमीटर दूर है। और ये छोटे से गांव के करीब ही है एक। तो ये दरबार का माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत व्यू है। और ये जो है सामने बिल्कुल मेरे वो है वधू की जगह बनी हुई है। और इसके अलावा जो है ये सामने मस्जिद बनी हुई है, तो नमाज़ी बैठे हुए हैं। मैंने तो नमाज़ पहले पढ़ ली थी, बस पता ही नहीं चला मुझे कि जमात होनी है, तो मैंने नमाज़ पहले पढ़ ली। तो ये कुछ लोग वज़ू कर रहे हैं। बाकी जो है ये दरबार है अलीपुर सईदा पीर जमात अली शाह साहब का। अल्लाह के बुजुर्ग जो है ना, इनमें बड़ी कारामात होती है। इनके मतलब इनके पास जाने से बड़ा सवाब मिलता है, तो इनके पास हमें जाना चाहिए। अभी हम जो लाहौर से आए हैं, तो हम दाता दरबार से होके आए हैं। उसके अलावा गाजी इल्मुद्दीन शेर की कब्र भी हाजिरी दी थी हमने। तो हम अब इधर आए थे दरबार पर सलाम करने के लिए। तो ये देखिए माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत दरबार बना हुआ है, मस्जिद बनाई हुई इन्होंने। तो मेरा आज का ब्लॉग यही था, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। तो यकीन के साथ कि आप खुश रहेंगे। अगले ब्लॉग में मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।